हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम योर फ्रेंड एंड गाइड योगेश शुक्ला, और आज हम यहां पर लेकर के आए हैं क्लास नाइन्थ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैसे हमें इसमें शेप्स एंड उनके फॉर्मूले एप्लीकेशन में यूज करने हैं या क्वेश्चन में यूज करने हैं। तो सबसे पहले हम जिन शेप्स की बात करने वाले हैं वो शेप्स हैं हमारे पास क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्यूब की, देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे क्यूबॉइड। आप नॉर्मली इन शेप्स के बारे में जानते हैं, आपने अपने चारों तरफ सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत सारे शेप्स देखे भी होंगे। तो यहां पर अगर क्यूब का शेप देखा जाए तो क्यूब नॉर्मल, जैसे आपने कलर गेम खेला होगा कलर क्यूब, तो वहां पर जो शेप यूज होता है वो कौन सा शेप होता है, क्यूब का शेप होता है। आपने ब्रिक देखी होगी, आपने ज्योमेट्री बॉक्स देखा होगा, आपने लंच बॉक्स देखा होगा। अगर उन सभी के शेप्स के बारे में बात की जाए तो उन सभी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, वो होता है क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड शेप का होता है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट नंबर में अगर हम लोग बात करते हैं क्यूब के लिए, तो क्यूब में अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर लेंथ ब्रेथ हाइट सारी की सारी कंडीशन में सेम डायमेंशन होती है, यानी यहां पर जो साइड यूज होगी वो होगी ए। अगर हम लोग बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया, देखिए लेटरल सरफेस एरिया की जब हम लोग बात करते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है, आपको ये पता होना चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ फोर बाउंड्रीज। जब आपके टू एंड्स ओपन होते हैं तो उन्हें आप बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया की कंडीशन, और जब आपके ऑल टू एंड्स फोर बाउंड्रीज तो है, टू एंड्स भी क्लोज हो गए तो ओवरऑल सिक्स बाउंड्रीज हो गई, तो एरिया ऑफ सिक्स बाउंड्रीज के लिए आप अप्लाई करते हो टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर जब आप लेटरल सरफेस एरिया, तो यहां पर याद रखिएगा ओपन एंड्स, ठीक है, ओपन एंड्स, और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a2। सेकंड कंडीशन में अगर हम लोग बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपके लिए, टोटल सरफेस एरिया की कंडीशन में आपको सिक्स बाउंड्रीज की बात करनी है, और सिक्स बाउंड्रीज के लिए ये हो गया आपके लिए 6a2। कभी भी अगर आपसे बात की जाए कि इसकी कैपेसिटी कितनी है या फिर इसका वॉल्यूम कितना है, इसके अंदर स्पेस कितना है, तो जब भी हम लोग स्पेस की बात करेंगे तो हमारे लिए क्या यूज होगा, हमारे लिए यूज होगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है किसी क्यूब का, वॉल्यूम होता है ए क्यूब। अगर आपसे बात की जाए कि किसी भी क्यूब में सबसे लॉन्गेस्ट रॉड कैसे प्लेस की जा सकती है, तो आपका आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट बॉक्स में प्लेस करिए। तो आपका आंसर होगा कि अगर सबसे लॉन्गेस्ट रॉड हम लोग प्लेस करते हैं तो वो होगी डायगनल की, यानी डायगनल जो होता है क्यूब का या फिर क्यूबॉइड का, वही सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, साइड नहीं डायगनल, यानी लॉन्गेस्ट रॉड प्लेस की जा सकती है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए डायगनल क्या होगा, तो डायगनल हो जाएगा आपका ए रूट थ्री। ये हो गए आपके लिए क्यूब के फॉर्मूले। अब सेम एज अगर हम लोग क्यूबॉइड की बात करते हैं, देखिए अगर हम लोग क्यूबॉइड की बात करते हैं तो यहां पर भी सबसे पहले क्या अप्लाई होगा, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम लोग लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये हमें पता चल गया कि एंड ओपन है, और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो एंड हमारे क्या है, क्लोज है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर अगर देखिए डायमेंशंस की बात की जाए तो ये हो गया आपके लिए लेंथ, ये हो गई आपके लिए ब्रेथ, और ये हो गई आपके लिए हाइट। तो यहां पर आपको थ्री डिफरेंट डायमेंशंस मिल रही है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो जब हम लोग लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो आपके लिए फॉर्मूला यूज होगा टू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। सेकेंड कंडीशन में जब आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला यूज होगा 2lb प्लस bh प्लस hl। डन। फिर जब हम लोग कैपेसिटी या फिर स्पेस की बात करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला वॉल्यूम का। तो यहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहां पर वॉल्यूम हो जाएगा l इंटू बी इंटू एच। अगर यहां पर भी हम लोग डायगनल की बात करें या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि लॉन्गेस्ट रॉड प्लेस करनी है, तो यहां पर क्यूबॉइड के लिए डायगनल का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप, यहां पर आप डायगनल का फॉर्मूला यूज करेंगे द रूट वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल्स हो गए, फॉर्मूले हो गए, और इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हम लोग करने वाले हैं आज का अपना ये टॉपिक। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो बुक यहां पर चूज की हुई है वो है एनसीईआरटी, यानी आपके जो भी सिलेबस की बुक है उसी को हम लोगों ने यहां पर पिक किया हुआ है। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे अदर बुक से, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ।
तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा हुआ है। चलिए ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, तो यहां से आपको लेंथ कितनी मिल गई 1.5 मीटर। देन 1.25 मीटर वाइड, ब्रेथ कितनी मिल गई आपको 1.25 मीटर ये हो गई ब्रेथ। एंड 65 सेंटीमीटर डीप, हाइट कितनी हो गई 65 सेंटीमीटर। अगर आप इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर। देन इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। अब ये जो बॉक्स है, जैसे आपने पेन स्टैंड वगैरह देखे होंगे तो वहां पर बेस तो होता है लेकिन अपर साइड नहीं होती, तो ऐसा ही एक बॉक्स है आपके पास जो ओपन है कहां से, अपर साइड से। देन आफ्टर इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग द बॉक्स। तो सबसे पहले आपको एरिया फाइंड करना है, तो आप ये बताइए कोई एक ऐसा बॉक्स जहां पर बेस है और उसके अलावा एरिया ऑफ फोर बाउंड्रीज है, तो एरिया ऑफ फोर बाउंड्रीज के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया अप्लाई करते हैं। देन आफ्टर आपके पास बेस आ गया ना, तो बेस आ गया वहां पर टू डायमेंशन होंगी, दैट मींस लेंथ होगी और उसके अलावा ब्रेथ होगी, तो यहां पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे एरिया के लिए, यहां पर हम अप्लाई करेंगे लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो यहां पर आप क्या करेंगे, एरिया की कंडीशन में आप अप्लाई करेंगे लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अब आइए, आपको फॉर्मूले तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा आपके लिए, हो जाएगा 2l plus b multiplied by h। और बेस, बेस तो आपके लिए कैसा होगा, क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो एक तरीके से देखा जाए तो रेक्टेंगल ही तो फॉर्म करेगा, और रेक्टेंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए ये हो गया 2, लेंथ क्या है आपके पास 1.5 मीटर, ब्रेथ क्या है आपके पास 1.25 मीटर, हाइट क्या है आपके पास 0.65 मीटर, प्लस लेंथ क्या हो गई आपके लिए 1.5 इंटू ब्रेथ क्या हो गई आपके लिए 1.25। अब ये सारी के सारी कैलकुलेशंस आपको करानी होंगी, तो अगर 0.65 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कराते हो तो क्या आएगा, देखिए 2 5 10, 2 6 12 13, ये हो जाएगा 1.3। 1.5 प्लस 1.25, 1.5 में अगर आप 1.25 ऐड कराते हैं तो ये हो जाएगा आपके लिए 2.75 प्लस, यहां पर आपको 1.5 का मल्टीप्लाई कराना है 1.25 में, तो क्या आएगा यहां से 15 5 75, कैरी हो गया आपके लिए 7, 15 2 30, ये हो गया 37, 3 15 1 3, ये हो गया 18, 1 2 3, ये हो गया आपके लिए 1.875। ठीक है, यहां से अगर देखा जाए 13 5 65, कैरी हो गया 6, 13 7 91 6 97, कैरी हो गया 9, 13 2 26 9 35, ये हो गया 3.575 प्लस 1.875, क्या हो जाएगा ऐड करा 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 7 14 1 15, 5 प्लस 8 13 प्लस 1 14, 3 प्लस 1 4 1 5, 5.45 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया आपके लिए एरिया, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। लेकिन अभी भी अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में देखिए, दोबारा से देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपके पास, लिखा हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट आर इज 20। तो यहां पर आपको 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट गिवन है वो गिवन है 20 रुपीज, तो ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट जब आप सॉल्व करेंगे तो टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं वो क्या यूज करेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट, ये आपको यूज करना है। तो एरिया आप क्या फाइंड करके लाए हैं, 4.5 इंटू कॉस्ट आपके लिए है 20 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसका 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, जीरो ये हो गया, 2 5 10 2 4 8 19, और 2 5 10 आपके पास जो आंसर आ गया वो हो गया ₹109, ये हो गया आपके लिए आंसर। चलिए तो यहां से सेकंड पार्ट में भी आपने कैसे फाइंड किया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कैलकुलेशन करें और यहां से आपकी कॉस्ट मिल गई। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसी तरीके से इजी कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखते जाएंगे कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए
क्वेश्चन नंबर टू अगर आप लोग ध्यान से पढ़े तो क्वेश्चन नंबर टू में लिखा हुआ है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 meters, 4 meters एंड 3 meters respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of 7.50 per meter square. ठीक है, तो यहां पर भी अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए लेंथ क्या है आपके पास, लेंथ है 5 meters, ब्रेथ क्या है आपके पास 4 meters, हाइट क्या है आपके पास 3 meters. आपको बोला गया है कि 4 boundaries पे पेंट कराना है, क्वेश्चन लगा दीजिए, 4 boundaries पे पेंट कराना है और उसके अलावा आपको सीलिंग में भी पेंट कराना है. फिर से क्या हो गया, एरिया ऑफ 4 boundaries प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, तो सीलिंग कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, तो यहां से फिर आपको कॉस्ट भी फाइंड करनी है और आपके लिए पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है 7 रुपीज 50 पैसे. तो यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग, एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग कैसे आएगा, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था कुछ उसी मेथड से हम लोग फाइंड करेंगे. ये भी आएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग से. तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, टू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, टू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ सीलिंग के क्या अप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ. इस कंडीशन में हमारे लिए ये हो गया 2, ये हो गया 5 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 5 × 4. देखिए 3 2 क्या हो गया 6, 5 + 4 कितना हो गया 9, + 5 4 20, 9 6 54 + 20 इट इज 74 meters square. ये हो गया आपके लिए एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग. अब क्या करना है, अब आपको यहां पर कॉस्ट गिवन है 7.50, 7.50 जब आपको कॉस्ट गिवन है तो उसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी सेम कंडीशन देखिए जैसे आपने अभी किया था यही कर लीजिए. टोटल कॉस्ट अगर आपको फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला होगा एरिया इंटू पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट. यहां पर एरिया क्या आपने फाइंड किया हुआ है 74, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है 7.50 रुपीस पर मीटर स्क्वायर. जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा रुपीस 555 एंड दैट इज योर आंसर. तो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. मूव करते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों से कहता है द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर, इस चीज को हम लोग इरेज कर देते हैं नहीं तो हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन कहां सॉल्व करेंगे, जगह भी तो जरूरी है ना. चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरिमीटर 250 meters. मतलब आपके पास जो फ्लोर है उसका पेरिमीटर गिवन है 250 meters. इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल. देखिए यहां पर आपको फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, और कितना गिवन है, ये गिवन है आपको 250 meters. अब ये बताइए कि जो फ्लोर होगा वो कौन से शेप का होगा, वो होगा रेक्टेंगुलर, और अगर रेक्टेंगुलर होगा तो उसके पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे आप, टू लेंथ प्लस ब्रेथ, और यही आपको गिवन है 250, ठीक है, मीटर में है. तो ये हो गया 2l + b = 250, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई. देन आपको टोटल कॉस्ट व्हाइट वॉशिंग की क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है आपको 15,000 rupees. पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट क्या गिवन है, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट आपको गिवन है ₹10 पर मीटर स्क्वायर. अब यहां से अगर हम एरिया फाइंड करें तो अभी आपको फॉर्मूला बताया गया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाई पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट. अगर हम लोग यहां से डिराइव करें एरिया का फॉर्मूला तो एरिया के फॉर्मूले के लिए क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट. देन आफ्टर एरिया के लिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ये हो गया 15,000 upon 10. एरिया आपके लिए कितना हो गया, एरिया हो गया 1500 meters square. तो एरिया आपने फाइंड कर लिया. अब एरिया ऑफ 4 boundaries आपसे पहले ही बोल दिया गया क्वेश्चन में
द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फोर वॉल्स, मतलब आपको जो पेंटिंग करनी है वो कहां करनी है, वो करनी है फोर वॉल्स में। तो देखिए एरिया ऑफ फोर वॉल्स आपने कितना फाइंड किया, 1500। एरिया ऑफ फोर वॉल्स इज इक्वल्स टू 1500 मीटर स्क्वायर। अब अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मूला एरिया ऑफ फोर वॉल्स का, तो आप अच्छे से जानते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स में हम लोग अप्लाई करेंगे लेटरल सरफेस एरिया, एंड लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2L plus B into H, और यही किसके इक्वल हो जाएगा 1500 के। क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है इस फॉल। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, 2L plus B की वैल्यू तो आपको पहले से ही क्वेश्चन में गिवन की हुई है, 2L plus B की जगह 250 प्लेस करेंगे, तो ये हो गया 250 मल्टीप्लाइड बाई H इज इक्वल्स टू 1500। H is equals to 1500 upon 250. 0 से 0 cancel हो गया, 150 divided by 25. 25 से जब 150 को divide कराएंगे तो आएगा 6. इसका मतलब है कि जो hall है उसकी height कितनी हो जाएगी, उसकी height हो जाएगी 6 meters. Clear? तो ये question भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था हमारे लिए third question. अब हम लोग move करेंगे next question, question number 4 की तरफ. Question number 4, देखिए question number 4 में अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम लोगों के पास एक वॉल है और हमें उस वॉल की कंडीशन था, अच्छा पेंट वाला क्वेश्चन है भाई ये, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। मतलब आपके पास इतना सफिशियंट पेंट है कि आप 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग डायमेंशंस नोट करें तो लेंथ कितनी हो गई आपके लिए, लेंथ हो गई 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी आपके लिए 10 सेंटीमीटर, हाइट क्या है, हाइट है आपके पास 7.5 सेंटीमीटर, और टोटल एरिया ऑफ पेंट देखिए जिस पेंट से जितना एरिया पेंट किया जा सकता है वो आपको क्या गिवन है 9.375 मीटर स्क्वायर, ये कंडीशन आपके पास गिवन है। अब अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं एरिया ऑफ वन ब्रिक की, देखिए एरिया ऑफ वन ब्रिक, अब ब्रिक की कंडीशन में, ब्रिक की कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो लेटरल की कंडीशन तो होगी नहीं, ब्रिक तो आपका पूरा सॉलिड होता है और जब भी कोई सॉलिड फिगर आएगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया की कंडीशन होगी और यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे 2LB plus BH plus HL, तो ये हो गया 2, लेंथ है आपके पास 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5 सॉल्व कराइए, ये 2 हो गया 22.5 into 10 ये हो गया 225 plus 10 into 7.5 ये हो गया 75 plus 7.5 का मल्टीप्लाई कराएंगे आप लोग 22.5 के साथ तो ये आएगा 168.75। जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल होगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू आई है आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में और आपके पास जो टोटल एरिया गिवन था वो मीटर स्क्वायर में था, तो या तो आप इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो और या तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लो या तो इसे भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो अगर हम लोग देखें तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 इंटू 100 का। तो यहां से क्या कंडीशन होगी, ये हो गया 9.375 इंटू 100 इंटू 100, तो ये हो गया 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको चाहिए नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड बाय दिस पेंट, तो यहां पर क्या होगा नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स जब आप फाइंड करेंगे तो होगा टोटल अवेलेबल पेंट अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक, एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो यहां पर टोटल अवेलेबल पेंट हो गया आपके लिए 93750, एरिया ऑफ वन ब्रिक आपके लिए आया 937.5। तो यहां पर जब आप पॉइंट हटाएंगे तो जीरो
अप्लाई करेंगे 9375 कैंसिल हो गया, यहां से बचा 10 into 10, तो ओवरऑल हम कितने ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं, 100 ब्रिक्स, मतलब जितना भी हमारे पास पेंट अवेलेबल है उस पेंट से हम लोग 100 ब्रिक्स को कवर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स चलते हैं और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हैं, 1 by 1 हम लोग सारे के सारे पार्ट्स को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपसे कहता है स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पैन्स इंक्लूडिंग बेस, मतलब उसका बेस भी आपको इंक्लूड करना है, हेल्ड टूगेदर विद टेप, इट इज 30 centimeter लॉन्ग। देखिए डायमेंशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो लेंथ क्या है आपके पास 30 centimeter, ब्रेथ क्या है आपके पास 25 centimeter, हाइट क्या है आपके पास 25 centimeter, ये है डायमेंशंस। देन फर्स्ट कंडीशन में आपको सॉल्व क्या करना है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास, सबसे पहले आपको बताना है रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, देन आफ्टर आपको बताना है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 edges। तो चलिए सबसे पहले जब हम लोग एरिया की बात करते हैं तो यहां पर आपको बेस भी इंक्लूड करना है, सीलिंग भी है, एरिया ऑफ 4 boundaries भी है, तो ओवरऑल 6 edges का हो गया। और जब एरिया ऑफ 6 edges हो जाएगा तो यहां पर हम एरिया ऑफ ग्लास पैंस के लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2 lb + bh + hm। चलिए सॉल्व कराते हैं, तो ये हो गया आपके लिए 2, लेंथ है 30, ब्रेथ है 25 प्लस, ब्रेथ 25, हाइट भी 25 प्लस, हाइट हो गई 25, लेंथ हो गई आपके लिए 30 centimeter। सॉल्व कराइए, ये हो गया 2, 30 into 25 ये हो गया 750, 25 into 25 ये हो गया 625, 25 into 25 ये हो गया 750। अगर हम लोग देखें तो 750 ये हो गया 1500, 1500 प्लस 600 कितना हो जाएगा 2100, तो ये हो गया 2 into 2125, ओवरऑल 2 5s are 10, 2 2s are 4 15, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ओवरऑल हमारे लिए जो एरिया आ गया वो हो गया 4250 centimeter square। देन आफ्टर अब हमसे पूछा गया है हाउ मच टेप इज नीडेड, तो उसके लिए चलिए एक बात सीखते हैं, क्या सीखते हैं यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्यूबॉइडल इन शेप है। अब अगर इसमें हमें टेपिंग करनी होगी तो लेंथ की बात करते हैं 1 2 3 4, यानी 4 times लेंथ काउंट हुई। अगर हम लोग ब्रेथ की बात करते हैं 1 2 3 4, 4 times ब्रेथ काउंट हुई। अगर हाइट की बात करें 1 2 3 4, 4 times हाइट काउंट हुई। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा गया है हाउ मच टेप नीडेड, तो यहां पर टेप नीडेड की कंडीशन में क्या होगा, आपने देखा कि यहां पर आपको 4 times लेंथ, 4 times ब्रेथ, 4 times हाइट की नीड पड़ेगी। 4 times लेंथ कितनी है आपके पास 30, ब्रेथ कितना है 25, हाइट कितना है 25। ओवरऑल सॉल्व कर रहे हैं 25 + 25 = 50 हो गया, 50 + 30 = 80 हो गया, ये कितना आ गया आपके लिए 320 centimeter, और ये हो गया आपके लिए फाइनल आंसर। तो आज का जो सेशन था उस सेशन में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे किस चीज के, क्यूब एंड क्यूबॉइड के। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उस सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट टू सिलेंडर्स, यानी सिलेंडर्स के बारे में, सिलेंडर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है। तो नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहे, और आज का सेशन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि आखिर सभी को इन सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उन्हें भी फंडामेंटल्स पता होने चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता होने चाहिए। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, और इन सारे के सारे क्वेश्चंस को और इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको घर पर करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क था।